जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा हुआ है। हर दिन नई संभावनाएं, लेकिन उन संभावनाओं में कई बार ऊर्जा रहती है। एक समय चूक पुण्य का पछताने। अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आएंगी, अच्छे अवसर रोज नहीं आएंगे। एक द्वार थपथपा रही थी, कोई अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? जब बहुत देर से द्वार थपथपा रहा है, हुआ क्या है? कौन है जो बार बार द्वार खटखटा रहा है? कौन है? अंदर वाले ने पूछा, कौन है जो बहुत देर से दरवाजा थपथपा रहा है? है कौन बाहर? तो बाहर खड़ी उस चेतना ने कहा, मैं संभावना हूं, जीवन की संभावना। तो द्वार खोल, घर से निकल, कुछ अच्छा कर। मैं रोज खटकाऊंगी तुझे, मैं संभावना हूं और जीवन अंतहीन संभावनाओं से भरा हुआ है, निकल कुछ उद्यम कर। पर एक दिन तो द्वार कोई थपथपा रहा था और लगातार। तब अंदर वाले को भी कुछ बेचैनी सी हुई, उसने पूछा, कौन है भाई जो बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है? तो बाहर से आवाज आई, मैं अवसर हूं, मैं समय हूं, और फिर हाथ नहीं आऊंगा, बाहर निकल। और सच मानिए, समय चूक पुण्य का पछताने। जो तरुण अवस्था में होगा अब कैसे करें? जो बाल्यकाल में करना था, जो यौवन में करना था, अब तो निकल गया, अब कैसे करें? जब प्रौढ़ता भी चली गई और कोरोना का इंजेक्शन तो 60 के ऊपर लग रहा है आजकल, लीजिए, तो जो 40 में करना था अब वो कैसे करें? जो 50 में करना था अब वो कैसे करें? समय चूके पुण्य का पछता। समय की संगति, विचार संगति, एक मात्रज्ञ बोध, एक एकात्म, एक साम्य खो गया सदग्रस्त का। और वो संभावना एक बड़ी शक्ति, ऊर्जा चली गई। हाँ, अब वो भयभीत है, अब वो झूठ का आश्रय ले रही है, अब वो कपट कर रही है। बुद्धि, मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रहा, बुद्धि। तो हम जब कभी झूठ का आश्रय लेते हैं, कपट का आश्रय लेते हैं, तो हम एक और फोल्ड, एक और आवरण, एक दूसरा आवरण, एक और आवरण। वे काले में आवरण में तो ढका हुआ था एक चेहरा, उस पर एक और चेहरा। बाइपोलर जो लोग होते हैं वो नहीं होते, वो जो दिखाना चाहते हैं। एक बड़ा विचित्र युग है, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। हमारी चिंता अच्छा दिखने की है, अच्छा बनने की है ही नहीं हमारी चिंता। हमको कोई अच्छा देखे, हम दिखें अच्छे, हम अच्छे कब बनेंगे? हम सही कब होंगे?